आप सबका स्वागत है आज हमारे फेसबुक और यूट्यूब लाइव पेज में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर न्याय कब मिलेगा। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने चर्चा करी थी कि आखिर हिंदू संत ही क्यों। तो इस बार हम बात करेंगे कि ये न्याय कब मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम बहुत समय से ये गुहार लगा रहे हैं न्याय प्रालिका से कि ये न्याय कब मिलेगा। आखिर जिस संतों की हम बात करते हैं, जिन्होंने देश और संस्कृति के लिए इतना कुछ किया है, उनके साथ ये व्यवहार क्यों हो रहा है। एक तरफ मानव अधिकारों का पतन हो रहा है रशिया और यूक्रेन युद्ध में, और उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ वर्षों से मानव अधिकारों का पतन किया जा रहा है। हिंदू संतों के साथ अमानवीय व्यवहार कब तक होता रहेगा। हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में कुछ आज अतिथि जो उपस्थित हैं, उनको भी हम उनसे ये प्रश्न पूछेंगे और ये डिबेट को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। उससे पहले एक नारा जो मैं प्रचंड करना चाहता हूं आज, संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सो ये जो संतों पे अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, ये हम नहीं सहेंगे। ये सनातन सभ्यता पे जो अत्याचार हो रहा है, ये हम नहीं सहेंगे। संत जो हैं संस्कृति की धरोहर हैं, हमें उन्हें रक्षित करना ही होगा, क्योंकि संत हैं तो संस्कृति है, सुसंस्कार सिंचन सेवाएं हैं, देशभक्ति है, वे समाज में धर्म निष्ठता जिंदा है। यदि संतों पर अत्याचार ना रुके तो कैसे जिंदा रहेगा सनातन धर्म। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, हम कैसे जिंदा रखेंगे अपने सनातन धर्म को, कैसे इसका अस्तित्व जिंदा रहेगा। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में कुछ गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में है आज के जो मुख्य अतिथि प्रवक्ता राष्ट्रीय वारकरी परिषद, अरुण पिंपले जी महाराज महाराष्ट्र से, और दूसरे हमारे साथ हैं एडवोकेट आंचल जग्गा जी जलंधर से। स्वामी जी प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब लाइव पेज पे। आंचल जी वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ ज्वाइन करें आप। तो हम समय का ध्यान रखते हुए हम सीधा अपने प्रश्नों पर आते हैं और अपनी डिबेट पर मूव करते हैं कि किन कारणों से जो हमारे देश में ये जो हिंदू संतों पर लगातार आरोप लग रहे हैं और ये जो अत्याचार चल रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है, इस पर हम विचार करते हैं और बात रखते हैं। हमने काफी देर से देखा है कई हिंदू संतों को झूठे आरोपों में जेल हुई है, जैसे असीमानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, नित्यानंद जी, और अब हम देख रहे हैं अब हमारे बापू जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये कब तक होता रहेगा, ये इस तरीके से हम कैसे अपनी सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं, जहां हमारे जो हिंदू धर्म के संत हैं उन पर इस तरह के आरोप लगे और उन्हें इस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज के तहत फंसाया जाए। तो इसी विषय पर आज हम ये चर्चा करेंगे, आखिर हिंदू संत ही क्यों। सो इस प्रश्न को लेकर हम चलते हैं हमारे स्वामी जी अरुण पिंपली जी महाराज जी के पास। आखिर हिंदू संतों पर ही ये प्रहार क्यों, आखिर हिंदू संत ही इतनी जल्दी और सॉफ्ट टारगेट क्यों है। अगर हम संत श्री आसाराम बापू जी की बात करें तो उन्होंने हमारे देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कितना कुछ किया है, कितने सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन में फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया, कितना कुछ किया। जब मैं व्याख्यान करने जाऊंगा तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, समय कम हो जाएगा, बट इसी की तरह इसी बात को लेकर मैं आपकी तरफ चलता हूं। तो आपका इस पे क्या कहना है कि हमारे हिंदू संत ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं। सभी को रामकृष्ण हरि, हर हर महादेव। बापूजी के बारे में यदि बात की जाए तो पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वारकरी परिषद वारकरी संप्रदाय का जाना माना एक संस्था है, एक संगठन है, और वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में पूरे देश में जाना जाता है, वैष्णव संप्रदाय है। और हमने शुरू से ही बापू जी के समर्थन में आंदोलन में हम सम्मिलित थे, सहभागी थे। हमारे श्रद्धेय परम श्रद्धेय गुरुवर्य वैकुंठवासी निवृत्ति महाराज वक्ते बाबा जो इस संस्था के संस्थापक थे,
जब से उनके कान पे उन्हें ये पता चला कि बापूजी को इस तरह से फंसाया गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया था कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और हम बापूजी के समर्थन में है। इसने देश के नहीं, दुनिया के ये जाने माने सनातन संस्कृति की शिक्षा देने वाले संत है, पूजनीय संत है, इतने बड़े संत और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगना, ये गलत है, ये षड्यंत्र का भाग है। रही बात दूसरी, आपका जो प्रश्न है कि हिंदू संत ही क्यों टारगेट किए जाते हैं, उनको ही क्यों ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। 200 साल अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि इस देश में यदि अपने को राज करना है, इस देश में अपने को रहना है, तो इस देश की संस्कृति खत्म करो और वो संस्कृति के प्रचार, वो धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को खत्म करो। तो इस उनकी सोच आगे जाके सभी, मतलब भारत, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वो तो सेकुलर राष्ट्र, निधर्मी राष्ट्र बना। तो निधर्मी राष्ट्र को भी यदि चलाना है तो सबसे ज्यादा त्यागी, तपस्या और निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं वो हिंदू के साधु संत करते हैं, सनातन के ही संत बिल्कुल करते हैं। और इसके लिए उन, यदि इस देश में राज करना है, ये साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य के मार्ग पे चलते हैं और सत्य हमें राज नहीं करने देगा। ये सभी राजनेताओं के ध्यान में था, मन में था, उनके दिमाग में था। जैसे अंग्रेजों ने राज किया, वैसे ही हमें इस देश पे राज करना है और इस राजनीति के तहत नहीं, तो अपना स्वार्थ के लिए इन्होंने साधु संतों को हमेशा के लिए फंसाया है। एक उदाहरण मैं आप सभी प्रेक्षकों से कहना चाहता हूं। देखिए, कोई भी झूठे आरोप में कोई मुल्ला, मौलवी, पादरी यदि पकड़ा जाता है तो भी उसको बाबा बोल के बोलते हैं, झूठा बाबा, फर्जी बाबा। अभी बाबा शब्द ना बोलते हुए ये मीडिया कभी नहीं बोलती फर्जी मौलवी, फर्जी पादरी, ऐसा कभी नहीं बोलते, इनकी हिम्मत नहीं होती है। और 200 साल से हमारे संत कैसे खराब है, हमारा धर्म कैसा खराब है, हमारा सनातन कैसा खराब है, ऐसे हिंदुओं के मन में इन्होंने भावना प्रकट की है। कुछ तो भावना हिंदुओं में प्रकट करने के लिए, हिंदुओं के मन में, दिमाग में प्रकट करने के लिए ये षड्यंत्रकारी लोग है, ये यशस्वी हुए ऐसा हमारा मानना है। बहुत बढ़िया बात रखी स्वामी जी आपने। जैसे आपने एक मुद्दा जो रखा है, जो आज का मतलब अभी के हम देखें तो समाज में एक विषय है कि बाबा के नाम से एक अलग सोच प्रताड़ित करी जा रही है। तो एक बाबा जो है, जैसे अब अगर हम रीसेंट बात करें तो बहुत सारा बॉलीवुड के एंगल से भी, हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एंगल से भी अगर हम देखें, जो नाट्य रूप होता है, नाट्य रूप में क्या होता है कि एक एक बहुत छवि छोड़ता है नाट्य रूप। तो हम जो हमारे देश का, ये हम दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे ये बात, तो जो हमारा नाट्य रूप प्रस्तुत करने वाले, जिनको हम बॉलीवुड कहते हैं, जो सो कॉल्ड हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, वो भी हमारे हिंदू धर्म को ही अगर हम देखें तो टारगेट करते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पीछे एक वेब सीरीज इन्होंने लॉन्च करी थी जिसका नाम था आश्रम। आप सोचें कि एक आश्रम नाम जैसी वेब सीरीज जिसके अंदर कुछ गलत चीजें दिखाई गई, और जो हमारे हिंदू समाज के जो संत हैं उनकी एक छवि, हम कह सकते हैं कि एक छवि बिगाड़ने का एक एक नया प्रचलन चला हुआ है। तो आपने बहुत सीधे शब्दों में ये कहा और बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया कि राजनीति करी जा रही है। तो राजनीति जो है, ये राजनीति जो, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इस पर हम आएंगे इस राजनीति के प्रश्न पर। सो अब हम जाना चाहेंगे अपनी जो हमारी एक मुख्य अतिथि हैं आंचल जग्गा जी, एडवोकेट हैं जालंधर से। तो हम आंचल जी, एक प्रश्न हमारा है, हमारी जो लोग हैं वो ये प्रश्न बार बार करते हैं, क्यों बापूजी जैसे संतों को बेल नहीं दी जा रही, ऐसा क्या है? अगर हम कानूनी प्रावधान में बात करें तो बेल जो है, बेल एक अधिकार है, बेल इज अ राइट एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। सो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, कि बापू जी को बेल जरूर मिलनी चाहिए। इवन दो उनका केस हमें मालूम भी है कि वो फैब्रिकेटेड है टोटली, कुछ भी एविडेंसेस उनके अगेंस्ट नहीं है, पर फिर भी टोटली उसको, मतलब कोर्ट नेग्लेक्ट कर रही है, एक भी एविडेंसेस कंसिडर नहीं कर रही है। तो ये हमें मालूम पड़ रहा है कि वो कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, कि बापू जी के जो सेवा कार्य थे वो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेटर्स ने कुछ एक फ्रेमिंग रची, एक कॉन्स्पिरेसी रची, जिस
तहत उन्होंने बापूजी को फ्रेम किया। तो यही हम देख पा रहे हैं कि इतने सालों से, जो 9 साल से बापूजी को बिल्कुल भी एक भी दिन के लिए फर्लो नहीं दिया गया, पैरोल नहीं दिया गया, तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जैसे आपने कहा। तो सेम अगर हम इन्हीं बातों पर लेकर चलें, अगर हम किसी धर्म विरोधी बात यहां नहीं रख रहे, हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, पर फिर भी हमें ये सोचना पड़ता है बार बार कि दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं पर मीडिया ट्रायल क्यों नहीं, क्यों मीडिया ट्रायल हिंदू संतों पर ही किया जाता है। अगर मैं बात रखूं, ये सवाल स्वामी जी आपके लिए भी है कि अगर हम बिशॉप फ्रेंको की बात करें, तो जो केरला नन रेप केस था, तो उसमें उन्हें बेल दे दी गई, तो ऐसे क्या कारण है? अगर आप देखें, बहुत ज्यादा मीडिया में भी हाईलाइटेड नहीं था केस, तो ऐसा क्या कारण है कि सारा जो हमारा देश का मीडिया है वो भी संतों के विरुद्ध, ऐसा क्यों है? हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की जनता, हम कहते हैं कि 80% जनता जो है वो हिंदू सनातन धर्म से भी है, पर फिर भी क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम आपसे एक विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि एक वो सलमान खान की पिक्चर आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, हमने आंदोलन किया था उसके बारे में, कुछ तो दबंग 3-2 कुछ तो था वो, हम तो उतना पिक्चर का मालूम नहीं रहता है। लेकिन जब मीडिया से हमें पता चला, लोगों ने हमें बताया कि देखिए इसमें जो हिंदू साधु संत सन्यासी है उनको नाचते हुए दिखाया है, तो उसके विरोध में हमने आंदोलन किया। और हमारा तो प्रश्न था वो सब वो चित्रपट बनाने वालों, पिक्चर बनाने वाले से, कि ऐसा तुम किसी पादरियों को नाचते हुए पिक्चर में दिखाओगे क्या, किसी मौलवी को जी नाचते हुए दिखाओगे? तो देखिए, मीडिया ने और ये चित्रपट बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, ये सभी लोगों ने हिंदू सनातन हिंदू धर्म के संतों को हल्का सा लिया है। उनको मालूम है, उनको पता है, इनके ऊपर कुछ भी बनाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बात करो, इनके धर्म ग्रंथ जलाओ, इनके संतों के अपमान, मतलब कोई भी उसके ऊपर टिंगल टवाली जैसे विनोद जोक्स बनाओ, कुछ भी करो, इनका कोई सनातनी कोई आके हमारा गला नहीं काट देगा। ये सबको पता है। बिल्कुल जो गला काटने की बात करते हैं हिंदुस्तान में, जो गला काटने की बात करते, उन उनसे सब डरते। हम तो हमेशा के लिए, हमारे संतों ने क्या उपदेश किया, हमारे मराठी में जगतगुरु संत तुकोबाराय, उनका एक अभंग है, जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेसी जानावा। तो उसमें हिंदी में, वैसे भी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी में उसका यदि देखा जाए तो हमारे संत कहते, जे का रंजले गांजले, जो गरीब है, जो जिसको असहाय है, अपंग है, जो अनाथ है, उनकी सेवा करना, लोगों को उनकी सेवा करने का शिक्षा देना, उनकी सेवा करने की शिक्षा देना, ऐसे समाज हित में सब कार्य करना, यही संत करते हैं। और इस उपदेश से सभी लोगों के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ है कि हमारे संत जो है तो वो खाली अच्छे कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं, किसी को मारने की नहीं देते ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, क्योंकि जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण है, तो जगतगुरु का उपदेश क्या है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तस्मात् द्युतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म के तहत साधु संत सज्जनों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारा कर्तव्य, किसी भी क्षत्रिय का, किसी धर्म प्रेमी का कर्तव्य है कि तो उसके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन हमारे साधु संतों ने कभी शस्त्र उठाने की बात नहीं कही, कभी भी किसी के ऊपर हिंसा करने की बात नहीं की। वैसे मतलब हमारे धर्म में वो बताया गया है धर्म रक्षा के लिए, लेकिन हमारे साधु संत इस वर्तमान राज्यकर्ता जो है वो हिंदू ही दिखते थे, वर्तमान सभी हमारे शासन प्रशासन में हिंदू ही दिखते थे। आज नहीं तो कल सुधरेंगे, कल नहीं तो परसों सुधरेंगे, ऐसी हमारी भावना थी, संत समाज की भावना थी। और देखिए, वर्तमान में बापूजी के टाइम से कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने संत समाज पे सारे षड्यंत्र हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको 1 महीने की मैं घटना बताता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय जी कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज है,
मुझे वो छोटा भाई मानते हैं अपना, हमें वो शाक्त है, देवी भक्त है, लेकिन वो हमें छोटा भाई मानते हैं। हमारा मिलना जुलना है हमेशा के लिए, हम कार्यक्रम भी करते आए हैं। उन्होंने गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की तो उन्हें उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा के 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, छत्तीसगढ़ के सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया है और बेल भी नहीं मिल रही। गांधी जी के ऊपर हजारों लोग बोलने वाले हैं, बात करने वाले है, सिर्फ कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज ने ही नहीं बोला है, और वो जो बोला है वो सत्य बोला है। विभाजन के टाइम में यदि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, ये कुछ गलत नहीं था, ये किसी के ऊपर अन्याय करने की बात नहीं थी। तो देखिए, संतों को प्रताड़ित करो तो हम कहते हैं, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी आप राजनीति की बात मत करो, उनको राष्ट्रनीति, धर्म नीति और राजनीति इसमें कुछ अंतर नहीं दिखता है। हम उनको कहते हैं कि हम क्या भंडारे का वरण खाने के लिए महाराज हुए हैं क्या? हमें बोलने का अधिकार नहीं, इस देश के हम नागरिक नहीं है क्या? हमें सब समाज को प्रबोधन करना है तो जो राष्ट्र के हित में होगा, धर्म के हित में होगा, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। और ये मीडिया झूठा आरोप हमेशा के लिए, एक ही बात 1000 बार झूठी करो लोगों को समझ में आता है इसमें कुछ तो दम है, और यही ट्रायल मीडिया का चलता है। और किसी भी मीडिया एंकर के ऊपर, किसी भी चित्रपट सृष्टि के ऊपर, किसी भी मीडिया सोशल मीडिया के वाले लोगों पर कोई भी सनातनी हिंदू ने आज तक अटैक नहीं किया है, इसलिए उनको साधु संत सन्यासी और हिंदू धर्म इसमें कुछ वो सीरियस नहीं लेते, कुछ भी बोलते कुछ भी बोलते। एक एक भी मीडिया वाला यदि उसमें, अब आप क्या आप बोलेंगे कि हमारा व्यासपीठ से ऐसी तीखी बात मत करो, लेकिन हम हमारे व्यासपीठ पे करते हैं कि किसी में हमारे पूजनीय हमारे संत वैकुंठवासी गुरुवर निवृत्ति महाराज वक्ते बाबा वो हमेशा के लिए कहते थे कि किसी में इतनी एक भी माँ का दूध पिया है तो दूसरे धर्म का अपमान करके देखे, दूसरे धर्म ग्रंथ का अपमान करके देखे, दूसरे संत को लांछन लगाते हुए दूसरे धर्म के धर्म प्रचारकों को ऐसा अश्लीलता पूर्वक बोलते देखे, उसने यदि माँ का दूध पिया है ऐसा चैलेंज करते थे, उनका अधिकार भी था लेकिन ऐसा बोलते थे। इन्होंने ये सब जो है हमारे विरुद्ध बोलने वाले, ये जो भोग रहे हैं बापू जी के ऊपर हमेशा के लिए भोगते हैं। मैं एक ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं सभी दर्शकों का, देखिए बापू जी को अरेस्ट हुआ, बापू जी के ऊपर आरोप लगाए गए, तो जो बापू जी के शिष्य थे उनसे कुछ प्रतिक्रिया नहीं थी, कुछ उनके मन में नहीं था, उनकी श्रद्धा थी क्योंकि इतने सारे लाखों लोगों को धर्म की शिक्षा दी है। यदि बापू जी नहीं होते तो इतने सारे करोड़ों लोग जो आज सनातन हिंदू धर्म की पूजा अर्चा प्रार्थना भगवान की भक्ति करते हैं, इतने सारे लोग भगवान से धर्म से दूर रहते थे। यह हमारी बहुत बड़ी, अभी भी बापू जी जितने दिन से दूर है हमारे धर्म की हानि हुई है, हमारे संत पूरे हमारे सनातन की हानि हुई है, क्योंकि इतने सारे लोगों को उन्होंने इस मार्ग पे लाया है, इस अच्छे मार्ग पे लाया है। तो देखिए तब उस टाइम में मेरी बात यह थी कि उस टाइम में जो बापूजी के शिष्य नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है बापूजी का कार्य क्या है, कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने पहला आरोप करना छोड़ दिया, मैसेजेस चालू करना छोड़ दिए, उन्होंने पहले आरोप लगाना छोड़ दिए, उन्होंने कितने जगह पे बापूजी के फोटो को तस्वीर को उनको गालियां दी है, ये सब किया है। तो ये कौन लोग है? यही लोग है जिन्होंने हमेशा के लिए ये देश का इतिहास है, सनातन धर्म को, सनातन को, इस देश से नष्ट करने की जो प्रथम चरण जो रहता है, ये इन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो कार्य किया है, यही वही वही लोगों ने ये कार्य बापूजी के अरेस्ट होने के टाइम में किया है। मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूं कि आप जो भगवान की मूर्ति तोड़ने वाले हैं, भगवान को गालियां देने वाले, वो अपना सीना तान के उजल माथे से इस देश में घूमते हैं, और हम क्या हमने कोई अपराध किया है क्या? भगवान की बापू जी के हम शिष्य है तो हमने कोई अपराध किया है? बापू जी ने क्या अपराध किया है? कुछ भी अपराध नहीं किया है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर 10-10, 50-50 मर्डर के केसेस है, उनको तो छोड़िए, कितने सारे बड़े बड़े मुझे वो याद नहीं नाम आते अन्य धर्मियों के, उनके ऊपर रोज में एक वर्तमान पत्र हमारे महाराष्ट्र में आता है सनातन प्रभात, उसमें मौलवी के ऊपर कौन से केस दर्ज हुए, पादरियों के ऊपर कौन से केस दर्ज हुए इस देश में, वो सब आता है उसमें, हमने पढ़ा है, लेकिन एक भी मीडिया वाला उसके ऊपर डिबेट नहीं बनाता लाता। हमें बुलाना चाहिए उस डिबेट में, हम तो बोलेंगे फिर हमारी बाजू। ऐसा इस देश का मीडिया का वास्तव है। मीडिया के अच्छा हुआ हमारे हाथ में ये मुंजा है, इसको हम मुंजा कहते हैं। ये सोशल मीडिया यदि नहीं होता
तो आज हम जो लाखों दर्शकों के पास अपनी बाजू रख रहे, अपनी भूमिका मान रहे, अपनी भूमिका बता रहे, वो कभी भी नहीं होता। भगवान के उपकार है। साधु संतों के नाम का बदनाम करने का ये जो ठेका इन्होंने लेके रखा है, इन ठेकेदारों से हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रतिरोध कर रहे हैं और समाज के सामने सत्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से स्वामी जी आपने अपनी बात रखी, और जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी बहुत कमेंट्स डाल रहे हैं कि बहुत सही बात आपने रखी है और सही मुद्दों को आपने पॉइंट आउट करा है। हमारे देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्यों हम एक नहीं हो पा रहे? हमारा जो समाज है, जो हिंदू समाज है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, आज अगर हम देखें, अगर हम बापूजी की बात करते हैं, तो बापूजी ने एक समय पर दिल्ली में बैठकर आंदोलन करा था। अब ये बताने की भी बात नहीं है, सब जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर ये अन्याय ऐसा ही चलेगा तो इसका जो नुकसान है वो भुगतना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद कैसी आपदाएं आई, क्या हो रहा था देश में, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो करंट सिचुएशंस है। तो मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हम एक नहीं हो सकते जिससे हमारी एक आवाज हो, और कभी भी किसी संत के प्रति कोई भी आरोपण हो तो हमारी जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो सनातन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी आवाज इतनी बुलंद हो कि कोई उसके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर पाए। ये आपके आपके सामने अपनी जनता के माध्यम से मैं ये आवाज अपनी रखना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, जरूर हो सकता है। और आपको बता दे, आपके बहुत सारे साधकों का और परिचय नहीं था, वास्तविकता आप सभी दर्शकों से हम ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय वारकरी परिषद हमारी वैष्णव संप्रदाय की संस्था है और ये मौलिक ज्ञानोबराय से अब तक चलती आ रही है। और उसमें हमने राष्ट्रीय शब्द इसलिए लगाया है, तो राष्ट्र बचा तो हम बचेंगे, राष्ट्र बचा तभी हमारे उपासना मार्ग बचेंगे। तो हमने दो स्वामी जी आपकी आवाज 2014 या 15 में एक अधिवेशन आलंदी में किया था हमारे क्षेत्र क्षेत्र। हमने सभी संप्रदाय के लोगों को बुलाया था और उसमें सब बड़े बड़े लोग आए थे और हमने ये बात बापू जी के विषय में वहां उठाई थी, की थी, और हर सम्मेलन में करते हैं। और आने वाले हमारे नाथ श्रेष्ठी संत एकनाथ जी महाराज है पैठन, जिसको पैठन में उनका समाधि उत्सव होता है, उसमें हम राष्ट्रीय वारकरी परिषद हर साल संत सम्मेलन लेती है, अधिवेशन लेती है, तो वहां पे भी ये मुद्दा उठाने वाले हैं। हर बार उठाते हैं और वहां पे भी उठाने वाले हैं। सभी संस्था जो है यहाँ के, जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू राष्ट्र सेना है, हमारा श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, ये सभी धर्म प्रेमी राष्ट्र प्रेमी संगठनों को हम बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और सभी को एकत्रित करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, हमारा वारकरी संप्रदाय और हमारी जो संस्था है, हम सभी, हमारे जो संस्था में ज्यादातर लोग जो है वो गृहस्थी है, अपना प्रपंच चलाने के लिए वो काम करते हैं और बाकी टाइम में अपना परमार्थ करते हैं, भक्ति धर्म का प्रचार करते हैं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय वारकरी परिषद, ये परिषद को, इस संस्था को हमारे जो अभी के वर्तमान कार्याध्यक्ष है बापू महाराज रावकर, उन्होंने स्वयं बापू जी से ही प्रेरणा ली थी, उनके आशीर्वाद लिए थे, वो मिले थे और बापू जी ने उनको मार्गदर्शन भी किया था, उनका स्वागत भी किया था, और बापू जी के दर्शन करने के बाद हमारे संस्था को बापू जी के आशीर्वाद मिले हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं, पहले दिन से ही इतना बड़ा संस्था राष्ट्रीय वारकरी परिषद बापू जी के समर्थन में है, क्योंकि बापू जी को हमने पास से देखा है, नजदीक से देखा है, और हमें पता है कि इस दुनिया में इतने सारे लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा बापू जी ने दी है, नहीं तो इनमें से बहुत सारे लोग सेकुलरवादी, निधर्मी, नास्तिकवादी बनते तो वो भी हमारे विरुद्ध खड़े रहने वाले थे। क्योंकि इस देश का इतिहास ऐसा है कि जो परकीय आक्रमणकारी है उनको यहाँ पर राज करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जब आना था तो उनको
खुद का सैन्य लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ का ये बहुत सारा तबका उनके पीछे खड़ा था और ये तबका हटाने का काम, ये तबका समाप्त करने का काम पूजनीय बापू जी ने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस लोकशाही व्यवस्था में किया। और आगे चल के इतना बड़ा बापू जी का महान कार्य इस देश के लिए उपयोगी पड़ने वाला था, काम आने वाला था, वो इस षड्यंत्र कार्य को हजम नहीं हुआ और उन्होंने ये षड्यंत्र किया। लेकिन देखिए हमारा पूरा संत समाज, जितने भी हिंदूवादी संगठन सभी लोग हैं, सभी बापू जी के समर्थन में है। लेकिन इस देश में वो, अभी मैं तो इतना कानून का जानकार नहीं हूं, मुझे इतना वो इसमें पता नहीं है पुलिस कार्रवाई न्यायालय प्रक्रिया क्या होती है उसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता। लेकिन सभी लोग, हिंदूवादी लोग, हिंदुत्ववादी लोग, धर्म प्रेमी लोग पूजनीय संत श्री बापू जी के पीछे खड़े हैं। और मैं आपको एक बात से पूरे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखो देखिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब साधु संतों को तकलीफ होती है, साधु संतों के ऊपर अन्याय होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो जब जब साधु संतों के ऊपर अन्याय होगा मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे सबसे बड़े महाराष्ट्र के नहीं हिंदुस्तान के दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस राष्ट्र में नहीं आते तो ये जब सनातन के सनातन प्रेमी हिंदू कहने वाले जितने सारे है, क्यों जो हिंदू घृणा करते हैं, हिंदू के ऊपर जिनको आपत्ति है, वैसे भी हिंदू है, उनको भी हिंदू मानते हैं, जितने सभी आज बचे हैं, जो पुरोगामी है, सेकुलर है, निधर्मी है, नास्तिक है, वो सब जो बचे हैं, तो इसलिए बचे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हर हर महादेव की गर्जना करते हुए, भगवान शंकर भगवान शिव जी की उपासना प्रार्थना करते हुए, अपनी ऋषि परंपरा के मार्ग से चलते हुए इस राष्ट्र को बचाया है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम स्वयं को, हमें कुछ नहीं चाहिए, साधु समाज को स्वयं को कोई राजा नहीं बनना होता है, लेकिन राजा हमारी प्रजा का रक्षण करना करने वाला होना चाहिए, ऐसा राजा हम बिठाते हैं। और आने वाले समय में सभी हिंदूवादी संगठन बापू जी के समर्थन में है और इस मांग को हम डंके की चोट पे उठाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिस तरीके से आपने अपनी ये सारी बातें रखी, और बहुत से दर्शक जो देख रहे हैं वो बहुत बहुत साधुवाद कह रहे हैं आपको, क्योंकि संत समाज बापू जी के साथ खड़ा है, ये बात आपने कही है और खड़ा भी है। पर हम आपके माध्यम से बस यही चर्चा करना चाहते थे कि क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हम अपनी आवाज और बुलंद कर पाए। आपने बताया कि ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, ऐसी जो जो समाज के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो संतों के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो एक चल रहे हैं, तो बहुत जल्द एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म भी होगा कि हिंदुओं के लिए एक मत में आवाज उठाई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम चलते हैं एडवोकेट आंचल जी के पास, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हमारी जनता ने पिछली बार भी वो सवाल रखे थे, तो हम चाहते हैं कि उनका उत्तर भी हमारी जो जनता सुन रही है उनको मिल पाए। सो आंचल जी, मैं आपसे आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जैसे एक न्याय प्रणालिका है, सो न्याय की हम बात करते हैं, हमारे पास आईपीसी सेक्शंस हैं, अब हमारे पास जो बापू जी पे जो हमारे पास जो सेक्शन है वो है पॉक्सो की। तो जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, एक कानून और जब सेम सेक्शन किसी और पे लगाई जाती है तो तब जो न्याय पालिका है उसका अलग व्यवहार दिखने को मिलता है, और जब बापू जी पे या मैं कहूंगा हिंदू संतों की बात आती है तो तब ये कुछ अलग डिसीजंस आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक एक जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ पाया, जो एक बॉलीवुड एक्टर है पर्ल वी पुरी, सो उनके अगेंस्ट में ये सेम सेक्शन थी, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी सुने। सो इसमें बिल्कुल मेंशन है, अकॉर्डिंग टू द वलिव पुलिस स्टेशन विच लॉज द केस द विक्टम्स फैमिली हैड कंप्लेन दैट पुरी हैड एलिगली मोलेस्टेटेड एंड रेप द गर्ल। सो आप मैं बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूं इस वर्ड को, मोलेस्टेटेड एंड रेप द गर्ल अराउंड 2 years ago
ही हैज बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 376 AB। सो अगर आप देखें, सो मॉलेस्टेशन का केस भी है, रेप का केस भी है, बट जब हम इसी के विपरीत में बात करते हैं बापूजी के लिए, तो वहां पे एक मॉलेस्टेशन का केस है। तो आप देख सकते हैं वहां पे बेल, इंस्टेंट इंटरिम बेल दे दी जाती है, यहां पे बेल नहीं दी जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक न्यायपालिका की तरफ से, या मैं कहूंगा कि एक जुडिशरी लैंग्वेज में आप समझाएं हमारे दर्शकों को, तो वो एक बहुत बढ़िया ओपिनियन रहेगा आपकी तरफ से। अंकुश जी, देखिए जैसे अभी पर्ल का केस था आपने देखा कि पर्ल में क्यों इंटरिम बेल दे दी जाती है, उसको इतनी जल्दी क्यों बेल दे दी जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे बापूजी के केस में मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि नो रेप, नो मॉलेस्टेशन, नो सेक्सुअल असॉल्ट, इवन कोई स्क्रैच तक भी नहीं है लड़की की बॉडी पे, पर उस सभी एविडेंसेस को नेग्लेक्ट कर रही है कोर्ट। और ये मतलब ये सबके लिए मतलब ये विचारणीय है कि कोर्ट क्यों उसको मतलब इग्नोर कर रही है, कि कुछ तो प्रेशर है जो ये बायसनेस क्यों हो रहा है कि एक्टर्स को सेम मतलब पॉक्सो धारा लगी है कि एक्टर को भी जो पर्ल के ऊपर केस है वो भी पॉक्सो है, और बापूजी के केस ऊपर केस लगाया हुआ है वो भी उन्होंने ये बोला कि पॉक्सो है, पर ये बायसनेस क्यों करी गई है, डिफ्रेंसिएशन क्यों हो रहा है। लॉ तो सबके लिए एक ही होता है, पर बापूजी के साथ ऐसा अन्याय, और जानबूझ के उन्होंने गर्ल की एज को माइनर शो किया गया। एक्चुअल में हमारी तरफ से, बापूजी की तरफ से काफी डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे कि जो लड़की है वो मेजर है, वो 18+ थी, लाइक उसके इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या उसका राशन कार्ड, पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो मतलब बेल वैसे तो हर किसी का राइट होता है कि जब आप 5 ईयर्स की आप कन्विक्शन अगर जेल में आप रहते हो तो कंटिन्यूअसली, तो उसके बाद आपके पास एक राइट होता है कि आप बेल ले सकते हो, पर बाबूजी को एक भी दिन के लिए पेरोल तक नहीं दिया जाता है, उनकी इलनेस के कारण भी नहीं उनको पेरोल दिया जाता है, इवन तो उनकी एज को देखते हुए नहीं दिया जाता। और दूसरी ओर हमारी हमारी ओर से भी, इवन दो मैं अगर एडवोकेट हूँ तो मैं बीइंग एन एडवोकेट भी मैं खुद जुडिशरी से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि पर्ल को क्यों दिया जाता है, उसका एज, और इवन दो उसका क्राइम भी अगर साबित हो रहा है, उसकी मदर्स उसकी बच्ची की मेडिकल स्टेटमेंट भी बोल रही है कि उसके साथ असॉल्ट हुआ है या उसके साथ रेप हुआ है, तो उसको किस पे आप पे दिया जाता है बेल, लेकिन बापूजी को नहीं दिया जा रहा। तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क है, तो सबको ये मतलब सोचना चाहिए क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, कि इट मीन्स की समथिंग फिशी इन दिस, कि कुछ तो है कॉन्स्पिरेसी। जी, बहुत सही बातें आपने रखी और बताया आपने कि किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब चीजें चल रही हैं। आपने अपनी तरफ से भी ये सवाल पूछे जुडिशरी से, न्यायपालिका से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। एक ही सेक्शन बिल्कुल है और उसी के लिए किसी को बेल और किसी को एक कुछ भी राहत नहीं दी जा रही, ऐसा क्यों? ये बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका इन बातों के लिए। इसके अलावा मैं ये आपके माध्यम से कुछ सवाल ऐसे भी पूछना चाहूंगा कि ये जब हम बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, अभी कोरोना के दौरान अगर आप देखें, बहुत सारे जो जेल में बंदी थे उनको छोड़ा गया ड्यू टू कोविड सिचुएशन, जबकि बापूजी को कोविड भी हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, तो तब ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो रहे? तब ये ह्यूमन राइट्स क्यों आवाज नहीं उठ रही इस चीज की कि बापूजी को इस सिचुएशन में तो रिहा करना चाहिए, एटलीस्ट उनकी उम्र को देखते हुए, उनका तबीयत को देखते हुए। और जब हम देखें एक 85+ इयर्स के संत, जिन्होंने इस देश के लिए, जिन्होंने इस हिंदू संस्कृति के लिए इतना कुछ करा, जैसे स्वामी जी ने अभी कितनी बातों का व्याख्यान किया कि बापूजी उनसे मिले और कहां कहां उन्हें सहयोग कराओ, इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, तो तब भी इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी उनको कोई राहत नहीं दी जा रही, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अंचल जी? यही कि हम सबने जब बापूजी को कोरोना हुआ, उनका HP कम हुआ, सबने ये क्वेश्चन रेज किया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है, हर किसी के पास राइट है, इवन हर प्रिजनर के पास भी राइट है कि अगर वो कुछ भी सफर करता है, अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ
कुछ भी इश्यूज होते हैं तो उनको वे रोल दी जाती है। लाइक आपने पीछे देखा होगा संजय दत्त का केस हुआ था, उसकी वाइफ को जी हेल्थ इश्यूज हुए थे तो उसको इमिजिएटली पे रोल दिया गया, उसको इश्यूज हुआ तो उसको इमिजिएटली पे रोल दिया गया। पर जब बापूजी की बात आती है, बापूजी को 85 ईयर्स अबव होने के बावजूद भी उनका कोरोना मतलब जब वो कोरोना से भी पीड़ित थे तब भी उनको बेल नहीं दिया जाता। इवन दो उनकी जो लाइकिंग मतलब वो चाहते थे कि उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो पर उसकी उसको भी नहीं सुना गया। बल्कि हर किसी के पास ये ह्यूमन राइट के अंदर राइट होता है कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली आपको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वैसा आपको प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का, और इवन तो जुडिशरी का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। पर बापूजी के साथ इतना ज्यादा मतलब ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे किसी के साथ टेररिस्ट के साथ भी नहीं होता। इस देश में इतनी बार बोला गया है कि मतलब हमारे कानून में ये एक फेमस फ्रेज है, आप सबने सुना होगा कि 100 निर्दोष चाहे छूट जाए पर एक किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। पर पिछले 9 साल से एक निर्दोष को बिना किसी गुनाह के जेल में रखा गया है, उनकी ह्यूमन राइट्स हैं कि मतलब जब कोरोना के टाइम में पैंडेमिक जो चल रही थी पिछले 2 सालों से, उसमें काफी प्रिजनर्स को जैसे आपने बोला अंकुश जी की प्रिजनर्स को छोड़ा गया, तो हम सबको ये होप था कि बापूजी की तबीयत को देखते हुए उनको भी छोड़ा जाएगा, पर उनको छोड़ा नहीं गया। उसका पीछे क्या रीजन था यही हम बार बार बोल रहे हैं कि एक ये प्रेशर है, सम पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है, कुछ कन्वर्जन जो भी है मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है, सब कॉन्स्पिरेटर्स हर सेक्टर से कंबाइन होकर के कुछ एक प्रेम कर किया है जो बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाहते किसी भी तरीके से। चाहे देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जब 85 ईयर्स प्लस कोई संत है, बुजुर्ग संत है, उनको निराधार केस में अगर आप कन्विक्ट करते हो तो वो अगर बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एक राइट है कि वो उसको अप्रूव करे जज, लेकिन वो अप्रूव नहीं करता। तो ये हमें मतलब मालूम पड़ रहा है ना कि कुछ तो है बीच में कॉन्स्पिरेसी, जो सब जैसे एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट को बेल दे दी जाती है उनके क्राइम साबित होने के बाद भी, इवन दो उनके अगेंस्ट इतने सारे प्रूफ्स भी होते हैं तब भी उनको बेल दे दी जाती है। और बापूजी के खिलाफ तो एक भी एविडेंस भी नहीं साबित हुआ। इवन जब बापूजी के रिगार्डिंग सेशन कोर्ट में जजमेंट भी आया तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है बापूजी के खिलाफ, केवल हम बापूजी के खिलाफ जजमेंट इसलिए दे रहे हैं कि वो लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि विदाउट एनी एविडेंस किसी संत को पिछले 9 साल से कन्विक्ट किया गया है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं, इसमें सबको बहुत सोचने की बात है। जुडिशरी से हमारी भी अपील है कि मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल सेट नहीं करें कि लोगों को जुडिशरी से भरोसा उठ जाए। सबको जुडिशरी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि जल्दी ही बापूजी को जस्टिस मिलेगा, पर आई होप कि जुडिशरी उस पे उस भरोसे को बनाए रखे। और हाईकोर्ट में जैसे अभी आप सब जानते हैं कि अपील लगा हुआ है बापूजी का, तो जस्टिस विल प्रिवेल सून, वी ऑल आर होपिंग। बिल्कुल यस, आपने जैसे कहा सभी जो बापूजी के शिष्य हैं वो भी इसी उम्मीद में हैं और वो भी न्यायपालिका से यही गुहार लगा रहे हैं कि एक न्याय होना चाहिए, और 9 सालों से ये गुहार लगा रहे हैं, आज नहीं 2-4 दिन की बात नहीं है, पिछले 9 सालों से गुहार लगा रहे हैं कि बापूजी कब बाहर आएंगे, कब उनको एटलीस्ट बेल दी जाएगी। हम बेल पे बात कर रहे हैं, बेल पे जोर दे रहे हैं, केस की अलग बात है, केस चल रहा है ऑलरेडी, पर जो एक एक मानव अधिकार है हम उसकी बात आज रख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी इन बातों के बीच में मैं एक बात अलग से ये भी रखना चाहूंगा, आंचल जी आप भी इसका जवाब दे सकती हैं, स्वामी जी आप भी दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आप कल की बात करें हम 8 मार्च 2022, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे की हम बात करते हैं, और कोइंसिडेंटली हम आज इस डिबेट में भी हैं, तो हम इस बात में भी ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हम देख सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कि जब हम 370 एक्ट की बात करते हैं जो एक रेप का एक्ट है, अगर आप देखें मोस्टली स्टेट्स बाय स्टेट भी ट्रेंड अलग है, और देख सकते हैं मोर देन 70% और कुछ स्टेट्स में तो मोर देन 90% केसेस आर फेक, कुछ भी अपनी पर्सनल ग्रजेस पे ये केसेस होते हैं।
तो आप उन चीजों को कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है ये, मतलब एक बहुत बार अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे ये कंपेन चलती थी मी टू फ्रॉम फीमेल्स। सो आप एक महिला एडवोकेट हैं, तो ये प्रश्न हम आपके मतलब माध्यम से अपने जनता को ये आंसर दिलवाना चाहेंगे। तो कई बार ये कंपेन भी आती थी कि मैं व्हाई नॉट मेन टू, तो बहुत बार आदमी भी शिकार हो रहे हैं इन चीजों का। और हम ट्रेंड्स देख सकते हैं, पीछे दिल्ली कोर्ट का भी एक ऑर्डर ऐसा आया था कि इतने कुछ परसेंटेज उन्होंने बताई थी कि कितने फेक केसेस हैं जो लॉज हो रहे हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? डेफिनेटली रिसेंट में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है कि कुछ भी इश्यूज होता है आपके घर में तो लड़की एक कंप्लेंट करेगी तो तुरंत उस मैन के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करती है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है, विदाउट एनी वारंट अरेस्ट हो जाता है इवन दो। तो मतलब ये रिसेंट सर्वे में भी आया है कि मोर देन 50% केसेस आर फेक, कि जो भी लड़कियां आरोप लगाती हैं वो कुछ भी पर्सनल ग्रजेस के रिगार्डिंग लगा देती है, कुछ भी घर में कहा सुनी हुई वो बस अपना ईगो में कुछ भी कंप्लेंट लगा देती है, लिखा देती है। तो मतलब उसको पता है कि जो लॉज बने और उसके फेवर में है वो एक माइनस का स्टेटमेंट भी देगी किसी के खिलाफ तो वो तुरंत वो अरेस्ट हो जाएगा पर्सन। तो यही है कि मतलब लॉज लड़कियों की फेवर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूर बनाए गए हैं पर लड़कियां उनको मिसयूज कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने मतलब जो लॉस एक लड़की की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं जा रहे हैं वो मिसयूज जब होंगे तो मैन टू तो ऑब्वियसली जस्ट प्रेवलेंट है कि मैन टू तो होगा ही होगा। और हम भी यही जुडिशरी से अपील करते हैं कि अगर आप महिला की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाते हैं तो अभी पुरुषों के लिए भी बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि फेक केसेस होते हैं कोर्ट्स में, और एक तो कोर्ट का तो जो टाइम खराब होता ही होता है और ऊपर से जब एक भी एलिगेशन मैन के ऊपर लग जाता है तो मैन को अपना अपने आप को इनोसेंस प्रूव करना कोर्ट में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक लड़की की स्टेटमेंट की वजह से जस्ट। जी, सो स्वामी जी, आप इस पे कुछ अपने विचार देना चाहेंगे? अभी हम तो इसके ऊपर क्या विचार दें, क्योंकि देखिए आप जागतिक महिला दिन बोल रहे थे, वैसे महिला दिन नहीं, हमारे सनातन संस्कृति जिसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, पहले मातृ पूजा वो सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई है हमारे धर्म में। जी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे कितने सारे श्लोक, ऐसा तो मैं कितना बड़ा प्रवचन दे सकता हूँ नारी शक्ति के ऊपर, जगत जननी माता जगदम्बा के ऊपर, वो तो मेरा प्रवचन जी चालू ही रहता है। लेकिन वो जगत जननी है जिसमें सृष्टि जिनसे हम पैदा हुए उत्पन्न हुए, अभी उनके ही मन में खराब विचार आए और उनके ही मन में पाप उत्पन्न हुए, हम उसमें ऐसा कहेंगे जो हमारे पुरुष वर्ग उसमें फंसा जाता है, तो ऐसा समझेंगे हमारा कुछ दुर्भाग्य, जिस जिसमें हमें पैदा करने की क्षमता है, जगत को पैदा करने की क्षमता है, वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगी, तो हम किसके सामने, मतलब क्या साबित साबित क्या करने का रहता है, क्या साबित करेंगे? जिसने हमें पैदा करने की जो जिस अब नारी शक्ति में हमें पैदा करने की क्षमता है, वही ऐसा झूठा। देखिए मातृशक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे देखिए जितने भी महापुरुष बनाए हमारे मातृशक्ति ने बनाए, कयाधु से भक्त भक्त प्रहलाद जी उत्पन्न हुए, अराज माता जिजाऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी नारी शक्ति का, हमारे भारत भूमि के नारी शक्ति का, ये सब मतलब नारी शक्ति का प्रभाव है। हम आज जीवित है, हिंदू करके जीवित है, सनातनी करके जीवित है, तो कृपा करके हम यदि कुछ बात कहेंगे तो ये सब मीडिया सब लोग भाई कहेंगे आप महिला विरोधी बोलते हो, नारी विरोधी बोलते हो, लेकिन वो आप आपके माध्यम से सभी नारी शक्ति को शक्तियों को सभी नारियों को इस देश की माता भगनियों को विनती करता हूँ, आप ही कोई ऐसा एनजीओ बनाइए, आप ही कोई ऐसा ट्रस्ट बनाइए, आप ही ऐसा कोई संगठन बनाइए बनाइएगा जो पुरुष पुरुषों को अच्छे लोगों को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, तो उन वैसे नारियों के खिलाफ आपको ही अभी आगे आना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा,
अच्छी जो जिनको इस बात का गांभीर्य पता है, गंभीरता पता है, वो सभी नारियों को मैं विनती करता हूँ, कृपा करके आपने सृष्टि बनाई है, हमें पैदा किया है, आप ही आगे आइए, क्या करेंगे। अब मैं कितना छोटा हूं, इतने संत पूजनीय संत बापू जी को जिन्होंने करोड़ों नारियों को धर्म की शिक्षा दी है, अध्यात्म शिक्षा दी है, जिनके वजह से इतने सारे कुटुंब मैंने स्वयं देखा है। मैं बनी बनाई बात नहीं करता हूं, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवान शिव जी की शपथ लेते हुए मैं कहता हूं, मैंने ऐसे कितने सारे परिवार देखे हैं जिसमें बापूजी की वजह से पूरे परिवार, पूरा परिवार का हर एक व्यक्ति भगवान के आके हाथ जोड़ता है, भगवान की प्रार्थना करता है और उपवास करता है, कोई एकादशी करता है, कोई पूर्णिमा करता है। इतने सारे फले फूले कुटुंब बापूजी के वजह से बने हैं, उनको ही ऐसे नारी शक्तियों ने इतना प्रताड़ित किया है, क्या कहेंगे अभी। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कैसे प्रार्थना की जाए उसी नारी शक्ति को कि वही कोई रास्ता निकाले हमारे लिए। सो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आज की चर्चा के लिए। जैसे कि समय को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अपने सवाल रख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनके सवालों का भी कुछ सिर्फ मेरे ही सवालों का जवाब ना दें, वो दर्शक भी चाहते हैं उनके भी कुछ सवाल हम यहाँ पे चर्चा में लाएं और उन विषयों पर भी हम बातचीत रखें। तो हम कुछ पिक करते हैं हम रैंडम सवालों को। जैसे कि ये मेंशन है किसी हरिओम सिंह रावत जी ने मेंशन करा हुआ है, श्री अरुण पिंपले जी महाराज से प्रश्न, कुछ हिंदू संत इस प्रकरण में मौन क्यों हैं? बापूजी के समर्थन में क्यों नहीं आते? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? जी, मेरे लिए प्रश्न है। देखिए, मैं जी किसी के ऊपर मतलब किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं संत समाज के, तो उनके ऊपर एक दबाव रहता है कि न्यायपालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उनके अगेंस्ट यदि कोई बड़े व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, बोलते हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि हमारी भी, क्योंकि ये जो मीडिया में और ये षड्यंत्रकारियों ने एक ऐसी सोच, मतलब ऐसा षड्यंत्र बनाया हुआ है, जो भी बापूजी के समर्थन में आए यदि कुछ ऐसा बात कहे कि उनको ट्रोल करो, उनको बदनाम करो, उनको प्रताड़ित करो, और बहुत सारे लोगों लोगों को इसका भय है, और इस भय के कारण वो नहीं बोलते। रही बात आपका वो जो जिस साधकों ने वो ये प्रश्न किया है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सब षड्यंत्रकारियों को पता है, आरोप ही ऐसा लगाओ कि कुछ बात ना कर सके, ऐसा आरोप लगाओ। तो ये आरोप जो लगाया है वो सोची समझी साजिश के तहत लगाया है। यदि दूसरा कोई भी आरोप होता तो पूरा संत समाज खड़ा रहता है, लेकिन आरोप ऐसा लगाओ कि पूरे समाज में वो आरोप का समर्थन भी करने का रहा, तो उसको डर लगना चाहिए, उसको डर लगना चाहिए, ऐसा आरोप लगाओ। तो ये आरोप ही ऐसा लगाया। अब जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को मैं छोटा आदमी कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन विनम्रता के तहत मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू ने जो साधक तैयार किया है, जिनको धर्म शिक्षा दी, धर्म की रक्षा वही करता है जिसको धर्म की शिक्षा हो। जो धर्म की शिक्षा ही नहीं लिया, जिसने नहीं लिए है, ऐसे धर्म के लाखों करोड़ों भी रोग रहेंगे, तो धर्म की रक्षा क्या करेंगे, उनको तो चूहे जैसा निकल लेंगे कोई भी। तो पूजनीय संत आसाराम जी बापू के समर्थन में हम इसलिए है क्योंकि वो तो निर्दोष है, ये तो हमारा स्वाभाविक, अगर हमारा अंतर्मन कहता है, क्योंकि इतने बड़े संत जिन्होंने झूठे झूठे लोगों से कोई 10 आदमी भी नहीं जमा कर सकता, 100 आदमी भी नहीं जमा कर सकता। देखिए, बड़े बहुत सारे राजनेताओं को यदि सभा करनी हो, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम करना हो, तो उनको किराए से लोग लाने पड़ते हैं, यहाँ करोड़ों लोग बापू जी के एक आवाज से एक मार्गदर्शन सुनने के लिए लाखों लाखों लोग आते थे। वो क्या झूठे 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 होने से थोड़े आते थे, ये तो हमें पता है क्योंकि हमें मालूम है वो जो निष्काम सेवा करते थे, संत का चरित्र और संत की वृत्ति, संत वृत्ति उनके रोम रोम में हमने देखी है। समाज ऐसा ही पीछे नहीं आता है, कोई तो होता है, कोई तो शक्ति उनके पीछे खड़ी होती है, ये हमें जो जानकार है उनको पता चलता है। तो
तो देखिए जो संत समाज है उनके मैं विनती करता हूँ, मैं उनको कोई आदेश तो नहीं दे सकता क्योंकि हमारा बहुत छोटा संगठन है, छोटी संस्था है और उसका मैं बहुत छोटा प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं सबको विनती करता हूँ कि देखिए मैंने स्वयं श्रद्धे कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज के प्रकरण में देखा है कोई भी राष्ट्रद्रोह जैसा कोई भी मामला नहीं है, फिर भी 2 महीने हो गए उनको बेल नहीं मिलती है। कोई राजनेता को 2 महीने किसी वक्तव्य के तहत जेल में डाला जा सकता है क्या, ऐसा सीधा प्रश्न है। और आपने जो प्रश्न वो अपने बहन से पूछा था कि इस देश में वो क्या क्या ह्यूमन राइट जो होता है जी, तो मुझे तो ह्यूमन राइट्स की बात करी थी शंका है। हाँ मुझे तो ऐसी शंका है कि ह्यूमन राइट्स वाले जो है चिल्लाने वाले ये ज्यादातर ये इनका ऑडिट इनका सब तलाश लेनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट जब उन्होंने वो मुंबई में एक मेनन कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था उसके लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाया था। हाँ नहीं नहीं एक दूसरा था वो मुंबई ब्लास्ट में था, उसने रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाया था ये लोगों ने ह्यूमन राइट वालों ने। 12 बजे रात का कभी कोर्ट खुलता है रात के 12 बजे उनकी फांसी रद्द करो कैंसिल करो उनकी फांसी। तो मुझे तो ये बात से पूरा कुछ दाल में काला ही लगता है, तो मैं इससे बाजू में रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा वो संजय दत्त को कितनी बार पेरोल मिला उसके ऊपर भी तो वो बम ब्लास्ट में कुछ तो हत्यारे को ऐसे घन बहुत सारे आरोप थे सर, ये तो वो तो कुछ सत्य नहीं है जी। आपने जैसे ये बात रखी है, अब एक सवाल मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी रखना पड़ेगा आपके समक्ष। तो जैसे आपने कहा कि ये सब चल रहा है, ये हो रहा है, हमारा जो संत समाज है जब आरोप इतना गंभीर लगा दिया जाता है तो संत समाज भी कहीं कहीं रुकता है कि आरोप ही ऐसा है जैसा कि हम ये बातचीत कर रहे हैं। पर जब जब कोई आरोप लगाने जा रहा है और उसे सामने पता है कि सामने कौन खड़ा है तो अपना आरोप भी उतना बड़ा लेके जाता है उसे फंसाने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो अगर ऐसे आरोप चलते रहेंगे तो फिर कौन आएगा? अगर आप देखें दूसरी तरफ, जैसे आपने बम ब्लास्ट की बात करी, दूसरी तरफ जब मुझे याद है जब कसाब की फांसी के लिए बहुत सारे लोग, कसाब मैं बात करूंगा जो एंटी नेशनल एलिमेंट, जो देश के लिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा, जिसने इतना बड़ा एक प्लान रचा मुंबई को पूरा ब्लास्ट करने के लिए, इतना बड़ा प्लान, उसमें जब कसाब को पकड़ा गया और उस कसाब के फेवर में भी बहुत सारे जाने माने चेहरों ने अपनी लेटर्स दी कि उसे फांसी ना हो, तो जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारा संत समाज खुल के आगे क्यों नहीं आ सकता? चाहे आरोप कुछ भी हो, जब हमें पता है कि सच्चाई है या सच्चाई क्या है तो हमें खुल के आगे आना चाहिए। मैं आपको आपका बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं, आप आए हैं, आपने इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज पूरी बुलंद करी है, बापूजी के लिए बात रखी है, पर इसी माध्यम से मैं ये भी बात रखना चाहता हूं कि हमारा एक होने का वक्त है, हमें सबको एक होना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो यूनिटी होगी तो हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देखिए आपसे अभी समय तो हो गया लेकिन एक बात हम करते हैं, जब वारकरी आगे आते हैं सबको आना पड़ेगा जी, क्योंकि जाति खरी सेवा त्याचा भय काय जीवा ऐसा कहा है। हमारे यदि मन में भगवान के प्रति प्रेम है, विश्वास है, हमें श्रीमद् भगवद गीता पे विश्वास है, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से हमें तो कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, हमें कोई मार नहीं सकता है, और भगवान परमात्मा हमारे हृदय में स्थापित है, तो हमें किसने मार भी दिया तो अगला जन्म लेके हम वही काम करेंगे। और देखिए जो संत है उनके लिए हमारे जगतगुरु तुकोबारा, हमारे संत महाराष्ट्र के संतों ने मराठी में अभंग लिखा है, उसमें कहा गया है कि भगवान कहते हम कहा है तो माझे भक्त गाती जे थे नारदामी उभाते थे। भगवान कहते नारद ऋषि नारद मुनि मैं कहा हूं ऐसा आपको लगता है ना, तो जहां पे मेरे भक्त जो भक्तगण है जो जहां पे भजन करते वहां पे मैं होता हूं, और जहां पे हमारे भगवान है तो मैं बापूजी के सभी साधकों से विनती करता हूं, देखिए आप डरिए मत, आप निसंकोच हरिओम कहिए, निसंकोच हाँ मैं बापूजी का भक्त हूं कहिए, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे गुरु ही करेंगे,
गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम, सभी शिष्यों का मंगल ही होने वाला है और ये सभी शिष्यों के लिए ही बापूजी आज अंदर है। यदि इतना बड़ा शिष्य समाज नहीं होता, इतने बड़े सारे परिवार नहीं होते, तो शायद ये लोग षड्यंत्र भी नहीं करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे बीच में कुछ बहुत हमें सवाल पूछे जा रहे हैं जनता द्वारा, तो कुछ और सवालों पे चर्चा करते हैं। वकील क्या करें जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट तक वर्तमान सरकार का आशीर्वाद है? एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, ये इसका जवाब हम आंचल जी से लेना चाहेंगे जब कोर्ट की बात है तो। देखिए अंकुश जी, अभी इन्होंने बोला कि अगर सेशन कोर्ट और जिला कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पे आशीर्वाद हो सरकार का, तो ये हमेशा ये चीज नहीं होती कि आप कितना भी प्रेशर हो, ऑल्दो हम जानते हैं कि प्रेशर होता है पॉलिटिकली, पर हमेशा ये नहीं होता कि पॉलिटिकली प्रेशर के दौरान ही आपको कुछ भी डिसीजन मिलेगा या जस्टिस मिलेगा। अगर हमारा एडवोकेट और हम अपना पॉइंट्स अच्छे से रखते हैं तो जुडिशरी के ऊपर भी एक प्रेशर बन जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं हमें जस्टिस देना ही होता है। तो ऑल्दो हमने देखा ही है वैसे तो पॉलिटिकली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे बापूजी के केस में भी प्रेशर काफी है जजेस के ऊपर ऊपर, जिस वजह से डिसीजन में डिले हो रहा है। तो यही हम तो वैसे कोशिश करते हैं कि वो जजेस जो हैं हमारे एडवोकेट्स के पॉइंट्स को उनको सुने, अपील की वो कैसे क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। जी आपके लिए एक सवाल और फ्लैश हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 में जीने का अधिकार की बात की गई है, फिर क्यों न्यायालय इन बातों से स्वयं ही पीछे हट रही है? 85 वर्षीय बापूजी को क्योंकि उनके मौलिक अधिकार बेल से भी वंचित रखा जा रहा है। ये सवाल आई थिंक आप ही जवाब देंगे इसका। जी बिल्कुल, 14 आर्टिकल के अंदर हमारे पास राइट होता है कि राइट टू लिव, कि आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ आप रह सकते हो, और आपको कोई अगर परेशान करता है इलीगली या अननेसेसरीली आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है तो आप उसके रिगार्डिंग बेल अप्लाई कर सकते हो या अपना केस फाइट कर सकते हो। लेकिन बापू जी के केस में हमने ईच एंड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स हमने किया है, पर इफेक्टिव डिसीजन नहीं आया, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया। हम ये जानते हैं कि बापू जी को अननेसेसरीली फेम करके फंसाया गया है, पर उनके कुछ भी एविडेंसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, हम जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं कुछ भी इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा हमारे लिए। तो इसमें कहीं तो हमारी और से भी कुछ कमी है, ये भी हम कहते हैं कि हमारी तरफ से बापू जी की तरफ से जो कुछ एडवोकेट्स के थ्रू कुछ शायद कमी रह जाती हो कि वो अपनी तरफ से कुछ इतना कहीं इफेक्टिव आंसर रिप्लाई नहीं आ पाए जज से, तो ये भी कमी रहती होगी। लेकिन ये भी है कि कुछ प्रेशर भी है, तो बोथ साइड बाय साइड है, और ये तभी होगा जब हम इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ यूनिटी के साथ फाइट करेंगे। मेन ये थिंग हमारी है, मुद्दा जैसे जो भी अभी हमारी डिबेट चली है इसमें मेन थिंग क्या है कि हिंदुस्तान को क्यों फंसाया जा रहा है, क्योंकि हमारी यूनिटी ही नहीं है, हम हिंदू ही हिंदू आपस में भिड़ रहे हैं, हमारे विचार एक साथ नहीं मिलते। अभी एक एक है साधक, एक है नॉन साधक, तो दोनों के विचार नहीं मिलते, कुछ किसी को मानते कुछ किसी को मानते, ठीक है सब अपने अपने धर्म अपने अपने ईष्ट देव को माने, बात सही है, पर किसी जब संत के ऊपर प्रहार होता है तो एटलीस्ट तब तो किसी हिंदू सब हिंदुओं को एकजुट होकर के एक प्रोटेस्ट करना चाहिए एक हिंदू संत के फेवर में। जैसे कि मान लो अगर किसी मौलवी के साथ कुछ भी गलत होता है तो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम में भी आप सुनते हो, आपको जानते होंगे सब लोग कि दो कैटेगरीज होती है सुन्नी एंड शिया, तो उसमें भी अगर किसी मुस्लिम के साथ गलत होता है वो सब लोग बिना किसी कैटेगरी के बिना अपनी जातियां को देखे हुए एकजुट होते हैं अपने मौलवियों के लिए अपने धर्म के लिए एकत्रित होते हैं। और दूसरे क्रिश्चियन में देख लो या किसी भी धर्म में आप देखो सब में इतनी यूनिटी है कि एक भी किसी के धर्म गुरु के ऊपर अगर कुछ भी आरोप लगता है तो सब लोग एकत्रित होके इकट्ठे होके कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं, और वो ऐसा प्रोटेस्ट करती है पूरा दुनिया जानता है कि कुछ भी वायोलेशन करते हैं
कुछ वॉयलेंस करते हैं या कुछ गाड़ियां जला देंगे आप, मतलब हार्श जो भी करते हैं ट्रीटमेंट, पर दूसरी ओर क्षमा हिंदू। चाहूंगा, माफी चाहूंगा आंचल जी आपसे। समय समय कम है, एक सवाल स्क्रीन पे है जिसके बाद हम इस चर्चा से विराम लेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, आप भी हैं, आपके समय का हम पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, और सो दैट कि हम हमारी जो ऑडियंस जुड़ी है उनका भी हम समय का ध्यान रखें। तो इस लास्ट प्रश्न से हम इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। सो ये क्वेश्चन आया है, हिंदुत्ववादी सरकार के शासनकाल में निर्दोषता के अनेकों प्रमाण के बावजूद बापूजी की बेल अर्जी खराब स्वास्थ्य के बावजूद बार बार खारिज की जा रही है, क्यों संतों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये इस सवाल का जवाब पार्शल मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी स्वामी जी ने भी दे दिया है और आंचल जी ने भी दे दिया है, पर मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहूंगा और स्वामी जी से ये प्रश्न रखना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको उनके सवाल का जवाब जरूर मिल जाए। स्वामी जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो बहुत सारी पार्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाना चाहता, बट उसमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टीज कहती हैं, जो हिंदूवादियों की बात करती हैं, जो हिंदुत्व की बात करती हैं, तो क्या उनको इन अहम मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए कि जिस देश में जब वो हिंदुओं की बात करते हैं तो उनको इस पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए? नहीं, जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग यदि ध्यान देंगे, उनके वजह से उन्होंने यदि ध्यान दिया तो हिंदू हिंदू धर्म का रक्षण होता है, हिंदू साधु संतों का होगा। हम इसी बात से हम सभी को यही कर रहे हैं कि हमें गांव गली से दिल्ली तक ऐसा राजा बिठाना चाहिए, गांव का सरपंच हो कोई, वो ऐसा राजा बिठाना चाहिए जो हमारा रक्षण कर सके। अभी वर्तमान जी हिंदुत्ववादी सरकार है तो उन्होंने तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, और उसका प्रयास हम मिलके करेंगे। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कि आप अपने संस्था ने बापूजी के क्या किया है, उनका क्या मिलना रहा है, राजनेताओं से क्या बात हुई है, लेकिन हम तो हमेशा के लिए राजनेताओं से मिलते हैं, और जो भी महाराष्ट्र के जितने भी जो विषय है गंभीरता के, उसको डंके की चोट पे कहते हैं। जैसे हमने पालघर में साधु संतों की हत्या हुई थी, ऐसे जो विषय है उसके बारे में हमने उनके ऊपर कड़ा विरोध जताया राजनीतियों का, और मिले भी उनके, खाली विरोध सोशल मीडिया से मीडिया से विरोध नहीं, उनको मिले जाके, मिलने के बाद उससे डिस्कस की कि हमें हमें ये चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इस विषय में मुझे लगता है, मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं स्वयं आप सभी लोगों के साथ हूँ, आप जहां चाहे वहां आने के लिए भी तैयार हो, हम जाएंगे। पॉलिटिकल दबाव वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। देखिए कि भाई यदि मौलवी को ऊपर क्यों नहीं लगता, पादरी क्यों, उनका पॉलिटिकल वो दबाव प्रेशर बनाते हैं, देखिए मेरे पीछे इतने लोग हैं तुम्हें गिरा देंगे, ये चुनाव में हम ऐसा एक फतवा निकालेंगे, ये करेंगे, तो पॉलिटिकल वो इश्यू सब सबके, बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे गंभीर गुनाह है अभी, मतलब कलम लगाए हैं। तो इस विषय पे ध्यान रख के हमें इस सोच के तहत पॉलिटिकल को बाजू हटा के, पॉलिटिकल को बाजू करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी मिलना जी पड़ेगा। देखिए भाई जो सत्य है सत्य स्वीकार करो, मिलो उनसे, मिलने के बाद ये इश्यू हम उठा सकते हैं ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका और आंचल जी आपका आज हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहूंगा, आपके कीमती समय का ध्यान रखते हुए और अपने जो दर्शक हैं उनके समय का ध्यान रखते हुए भी, तो फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जो विचार थे हमारे दर्शकों के सामने रखे, जो कि दर्शक बहुत लाइक कर रहे हैं, दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम तहे दिल से आपका फिर से धन्यवाद करते हैं और आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पूर्ण विराम धन्यवाद, देने से पहले एक नारा जरूर हम लगाना चाहेंगे, संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं कहेगा हिंदुस्तान, संतों पे अत्याचार नहीं सहेगा अत्याचार नहीं हिंदुस्तान, सहेगा हिंदुस्तान। हर हर हिंदुस्तान। महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिओम। धन्यवाद।